टिपिकल कैट क्वेश्चन, मैं तुम्हें जो हमेशा कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर कैट कहता है क्या हो सकता है, क्या मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, कितने आंसर्स हमारे पास में आ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। बट एज आई सेड वी नीड टू स्टिक टू द बेसिक्स। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं एंड के अंदर, देन द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय व्हिच द स्पीड ऑफ सेकेंड कार कुड एक्सीड दैट ऑफ द फर्स्ट कार इज व्हाट, क्या हो सकती है। पहली चीज इसने हमारे को डिसाइड करना है कि कौन स्पीड धीरे है, किसकी स्पीड ज्यादा है। तो देखिए जरा यहाँ पे दोनों ने सेम डिस्टेंस को कवर किया और एक साथ उस डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गए। कार वन जो थी उसका टाइम जो था लेट्स से दैट वाज P1, तो कार टू जो थी उसको ये सेम डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, दैट हैज टेकन T2, तो T2 विल बी इक्वल टू T1 माइनस 1। एक ने 10 बजे चलना शुरू किया, दूसरे ने 11 बजे चलना शुरू किया, दोनों सेम टाइम के ऊपर पहुंचे हैं, इसका मतलब कि T2 को कम टाइम लग रहा है। अब T2 को कम टाइम लगने का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज मोर देन स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। आगे क्या कह रहे हैं, इफ द फर्स्ट कार ट्रेवल्ड फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स देन द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द परसेंटेज बाय विच द स्पीड ऑफ सेकेंड कार कुड एक्सीड That of the first car is what? मैंने आपसे कहा कि जब दो चीजों के बीच में परसेंटेज डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का रेशियो निकाल लो। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि हमारे पास के अंदर जो टाइम का रेशियो होगा वो उल्टा चलेगा, यानी कि सेकंड वाले का जो टाइम था उसको आप रखोगे डिनोमिनेटर में, यानी कि T1 माइनस 1, और जो पहले वाला टाइम था जो फर्स्ट कार का टाइम था उसको आप रखोगे ऊपर, यानी कि T। यानी मेरे पास में रेशियो कितना आना चाहिए, मेरे पास में रेशियो स्पीड का रेशियो जो होगा वो रहेगा T/T-1, और इसी के बेसिस के ऊपर मैं परसेंटेज कैलकुलेशन कर लूंगा। अब ध्यान से सुनना क्या हो रहा है, यहाँ पे मुझसे कहा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। फर्स्ट कार को कम से कम 6 घंटे लगे हैं, तो कम से कम अगर फर्स्ट कार को 6 घंटे लगे हो T1, तो इसको आप 5 लेके आएंगे। अगर फर्स्ट कार को 7 घंटे लगे होंगे तो उस कंडीशन में सेकेंड कार को 6 घंटे लगेंगे। अगर फर्स्ट कार को 8 घंटे लगे होंगे तो सेकेंड कार को 7 घंटे लगेंगे, एंड सो ऑन। यू कैन सी कि मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं इनको बराबर बराबर वैल्यूज के ऊपर बढ़ा रहा हूं। 6 में 1 ऐड किया, 5 में भी 1 ऐड किया, 7 में 1 ऐड किया, 6 में भी 1 ऐड किया। तो यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जिस गैप से ये लोग बढ़ रहे होंगे, दैट इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट। Now obviously क्या हो रहा है, जब absolute value of increase in time will be same, यानी कि दोनों को अगर मैं यहाँ पे कोई और value से भी increase कर सकता हूँ, कुछ भी कर लो, मैंने यहाँ पे 1-1 से increase किया, तुम 5-5 से increase कर लो, 10-10 से कर लो, 100-100 से कर लो, minimum value 6 आपको 6 hours की बोली गई है। लेकिन मुद्दा क्या है कि numerator जो होगा वो हमेशा 1 number ज्यादा होगा denominator से, और एब्सोल्यूट इंक्रीज जो टाइम के अंदर आ रहा है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम रहेगा, यानी कि ये 5 से बड़ा तो ये भी 5 से बढ़ेगा, अगर ये 1 से बड़ा है तो ये भी 1 से बढ़ेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर का प्रोपोर्शनेट इंक्रीज ज्यादा होगा, रीजन बीइंग कि एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से कम है, इसलिए जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन डिनोमिनेटर होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मोर। In this condition, it is always going to be more than the proportionate increase in numerator. As a result, जो denominator का impact होगा वो ज्यादा होता जाएगा। तो denominator का impact क्या हो रहा है? Numerator increase किया 1 से, तो यानी कि मेरे fraction की value बढ़नी चाहिए। Denominator increase किया 1 से, यानी कि इसकी value कम होनी चाहिए, fraction की value कम हो जाएगी। लेकिन as you can see कि proportionate increase in denominator is more than proportionate increase in numerator, therefore the impact of change in denominator will be more। इसका मतलब कि इसके आगे आगे जैसे भी बढ़ते चले जाओगे मेरे fraction की value कम ही होती चली जाएगी। अगर fraction की value कम हो रही है इसका मतलब ratio की value कम हो रही है, ratio की value कम हो रही है इसका मतलब percentage increase की value कम हो रही है, यानी कि मुझे मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज मिलेगा इस पॉइंट पे। तो कितना आ रहा है ये 6/5, 6/5 का मतलब हो जाता है 1.20
इसका मतलब स्पीड ऑफ सेकेंड विल एक्सीड द स्पीड ऑफ फर्स्ट बाय 20% इस पर्टिकुलर कंडीशन में. इसके बाद से इसकी वैल्यूज कम ही होती चली जाएंगी. देयरफॉर योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए.